वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नैसर भुवनेश्वर का तरफ से टेक्निकल पोजीशन में जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 1 नवंबर 2021 साल में, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हुआ था 3 जनवरी 2022। इसका तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है, आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया हो, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को पल पल का अपडेट मिल जाएगा मेरा चैनल से। आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, मैकेनिकल लाइब्रेरी टेक्नीशियन सी, मशीनिस्ट लाइब्रेरी टेक्नीशियन बी, मशीनिस्ट फिटर वेल्डर और टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें रिक्रूटमेंट आया था। नंबर ऑफ पोस्ट का संख्या बहुत कम था, इसलिए बहुत कम स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप भी किया है। तो आज इसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट और रिजेक्शन कैंडिडेट का लिस्ट ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया, मतलब बहुत जल्दी आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को साइट पर लेके चलूंगा और इसका लिस्ट को डाउनलोड करके आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं नैसर भुवनेश्वर का ऑफिशियल साइट पर हूँ। जब भी आप लोग नीचे आएंगे, इसमें आपको अनाउंसमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एसए एंड टेक्नीशियन नैसर RC/2021/NA/04। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोगों को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। इसका बाद आपको इधर से देखने को मिल जाएगा पोस्ट नेम साइंटिफिक असिस्टेंट बी लाइब्रेरी लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट। इसमें आप लोग को एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा और प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट देखने का बाद आपको रिजेक्शन कैंडिडेट का भी लिस्ट, जिसका एप्लीकेशन नंबर और क्यों इसको रिजेक्ट किया गया, इसका कारण भी आपको बताया गया है। और जो भी स्टूडेंट रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है, वो सभी स्टूडेंट फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग का, अगर गलती से उन लोग रिजेक्ट किया है तो मेल आईडी आप लोग को दिया गया recruitmentcell@naiser.ac.in। 30 अप्रैल का पहले आप लोग को इसके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि उसका बाद इस डेट का बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 कैंडिडेट को क्यों रिजेक्ट किया है, तो नो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था एसेंशियल वो इसका पास नहीं है। इसका बाद आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट भी मैकेनिकल के लिए कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया है, तो इसका बाद इसका टोटल 110 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया है। और इसमें आपको क्या बोला गया, एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब 30 अप्रैल का बाद एडमिट कार्ड आप लोग का रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेजा जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन कैंडिडेट का लिस्ट आप देख सकते हैं, 5 कैंडिडेट इसमें रिजेक्ट हुआ। किसी का पास डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी के पास ओबीसी कैटेगरी नहीं है इसीलिए, और आप देख सकते हैं डुप्लीकेट ऑफ सेम टू सेम एप्लीकेशन 2 बार हो गया है इसीलिए एक ही नाम से। ओके, मतलब इस लोग ने वेरिफिकेशन इसको किया। इसके बाद टेक्नीशियन सी मशीनिस्ट के लिए आप देख सकते हैं 20 स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है और 7 स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उसका मार्क्स लेस देन 60% था 10th में, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट के लिए कितना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, 26 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, रिजेक्ट किया 5 स्टूडेंट को। किसी का पास 10th में 60% से कम मार्क्स था या ट्रेड का क्वालिफिकेशन नहीं था। इसका बाद आप फिटर और वेल्डर के भी लिस्ट देख सकते हैं, इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ पोस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट किया है, तो टोटल 65 कैंडिडेट को इसमें सिलेक्ट किया है। और इसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में टोटल 9 स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल जो सबसे लास्ट पोस्ट था, इसमें 19 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, टोटल 7 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया है। तो जो भी स्टूडेंट रिजेक्टेड लिस्ट में नाम उसको देख रहे हैं, तो वो अगर आप लोग का पास प्रॉपर कारण है तो आप लोग मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा या आप लोग को नेक्स्ट प्रोसेस में जाने का कोई संभावना हो सकता है अगर आप लोग के पास वैलिड प्रूफ है। तो ये था आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।